Music Studio. So Music Studio. चौक पर आकर के नौहा मातम किया जाता है और उसके बाद वापस फिर महादेवा स्थित डिप्टी शरीली के अम्बाड़े में वापस हो जाता है। ये डोला इसलिए मनाया जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो इमाम हुसैन के बड़े भाई थे, उनके लड़के जिनका नाम था मोहम्मद कासिम, ये जो हजरत कासिम थे इनकी आयु केवल 13-14 साल की थी और उस उम्र में जो है उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कि उनकी आत्मा शरीर से निकले, उनका शरीर को जो है अरबी घोड़ों के द्वारा यजीद किए जो है हुक्म से और उसके सिपाहियों और कमांडर के हुक्म से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, छत विछत कर दिया गया। और उनकी जो हाल ही में शादी हुई थी तो उनकी विधवा पत्नी ने जो है कि नहीं इसके ऊपर सब्र किया, संतोष किया, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सच्चाई का सिर्फ साथ दे रहे थे और यजीद की जितनी बुराइयाँ थी, जितनी कुरूतियाँ थी उसको उजागर करने के लिए इमाम हुसैन ने अपना बलिदान दिया और हज़रत कासिम ने बलिदान दिया। तो उसी की याद में ये बीबी का डोला निकाला जाता है और ये
बीबी के डोले में आरा शहर के जो है कि नहीं हिंदू मुसलमान सुन्नी शिया सब लोग जो है इसमें शामिल होते हैं और अपना शोक जो है कि नहीं व्यक्त करते हैं। और साथ ही हम लोग यजीद के अत्याचार और यजीद ने जो जुल्म किया है उसके विरोध हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और हम लोगों का मुद्दा यही है, हम लोगों का संदेश यही है कि हुकूमत चाहे किसी के भी हो, कमज़ोरों के ऊपर जुल्म और अत्याचार नहीं करना चाहिए। पर्चे बता दीजिए। मेरा नाम सैयद एजाज हुसैन है, मैं प्रोफेसर हूँ इतिहास का, शांति निकेतन विश्वविद्यालय विश्व भारती जो रविन्द्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी है पश्चिम बंगाल में, मैं वहाँ इतिहास का मैं प्रोफेसर हूँ।